please subscribe and press the bell icon for more content. हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एड रियल टेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा फोटोशॉप के अंदर किस तरीके से किसी भी इमेज को ड्रेस चेंज करते हुए ऑटोमेटिकली पासपोर्ट साइज फ़ोटो किस तरीके से बनाते हैं, वो सब कुछ प्रोसेस आज के इस ट्यूटोरियल्स के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए, अंत तक चैनल पर बने रहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक जरूर कर लीजिए। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास फोटोशॉप का वर्जन CS3 है। अगर आपके पास जो भी वर्जन का फोटोशॉप है भी, तो आप इजीली यहाँ पर किसी भी तरीके का काम वगैरह कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों, आपको किसी भी फोटोज़ को ड्रेस चेंज करते हुए पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाने के लिए आपको सबसे पहले फोटोज़ फोटोशॉप के अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास ये वाला फोटोज़ है। दोस्तों, देख सकते हो ये वाला इमेज है। इस इमेज को सबसे पहले मैं यहाँ पर हाई क्वालिटी के अंदर क्रिएट करूँगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इस इमेजेस को कितना बुरा क्वालिटी है इस इमेजेस के अंदर। जस्ट इस इमेजेस को मैं थोड़ा सा हाई क्वालिटी बनाना चाहूँगा। तो उसके लिए दोस्तों, सिंपली मैं सबसे पहले ये इमेजेस को मैं कुछ एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से इस इमेजेस को थोड़ा सा हाई क्वालिटी का बनाना चाहूँगा। तो उसके लिए दोस्तों, मैं यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन कर रहा हूँ। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ फोटो इनहांसर। इस तरीके से यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ। दोस्तों, देख सकते हो सबसे पहला वेबसाइट के अंदर आपको क्लिक करना है cutout.pro के अंदर जाकर। यहाँ पर क्लिक करते हुए आपके पास जो भी उस इमेज को हाई क्वालिटी के अंदर आपको बनाने, जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जहाँ पर आपके पास इमेजेस है, जस्ट इसको सेलेक्ट करते हुए ओपन कर देना। ओपन करने के बाद दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर हाई क्वालिटी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। दोस्तों, थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इमेजेस कितना प्यारा तरीके से हाई क्वालिटी के अंदर आ चुका है। जस्ट इसको आपको यहाँ पर फ्री डाउनलोड के ऊपर में क्लिक करते हुए JPG के अंदर क्लिक करते हुए आपको यहाँ पर इसको इमेज क्वालिटी थोड़ा सा आपको यहाँ पर 100% कर देना है। 100% करने के बाद जस्ट आपको इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोग देख सकते हो ये इमेजेस डाउनलोड के अंदर यहाँ पर आ चुका है। जस्ट मैं यहाँ पर डाउनलोड के अंदर क्लिक करते हुए यहाँ पर आप लोग को दिखा देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर, देख सकते हो कितना प्यारा क्वालिटी के अंदर ये इमेजेस यहाँ पर आ चुका है। पहले वाला इमेजेस का क्वालिटी इस तरीके का था, अभी दोस्तों ये वाला इमेजेस को इस तरीके का क्वालिटी हो चुका है। जस्ट इसको मैं यहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर डिलीट करूँगा। डिलीट करने के बाद दोस्तों, इस वाले इमेजेस को मैं डेस्कटॉप के अंदर ही लेकर आऊँगा। आप लोग देख सकते हो दोस्तों, अब आपको ये वाला इमेजेस को फोटोशॉप के अंदर इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए यहाँ पर इंसर्ट कर लीजिए। इंसर्ट करने के बाद दोस्तों, इसको आपको ड्रेस चेंज करते हुए पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के लिए सिंपल क्या करना है, इस इमेजेस को क्रॉप करना है। क्रॉप करने के लिए दोस्तों, आपको यहाँ पर क्रॉप टूल के अंदर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर जाना है वेट के अंदर। आप लोग देख सकते हो वेट 1.1 इंचेस और हाइट दोस्तों 1.35 इंचेस रखना है। उसके बाद दोस्तों रेजोल्यूशन 300 रखना है। रेजोल्यूशन 300 रखने के बाद इस तरीके से आपको ये इमेजेस को क्रॉप कर देना। आप लोग देख सकते हो प्यारा तरीके से इस तरीके से आपको यहाँ पर क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद इस तरीके से ये इमेजेस आ चुका है। जस्ट आपको मैजिक वाइन टूल यूज़ करते हुए आपको यहाँ पर ये वाला बैकग्राउंड को रिमूव करना है। जस्ट इस तरीके से मैजिक वाइन टूल से आपने इस तरीके से सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों देख सकते हो, और उसके बाद आपको ये वाला इमेजेस को यहाँ पर व्हाइट कलर रखते हुए कंट्रोल डिलीट करते हुए इसको दोस्तों यहाँ पर आप लोग व्हाइट कलर बना सकते हो। उससे पहले दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या करना है, जस्ट आपको थोड़ा सा इसको कलर ग्रेड करना है। उसके लिए दोस्तों, आपको कंट्रोल एम करते हुए यहाँ पर आपको इस तरीके से थोड़ा सा इमेजेस को हाई क्वालिटी के अंदर बनाना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर कंट्रोल बी करते हुए कलर बैलेंस यूज करते हुए थोड़ा सा रेड टोन ज़्यादा है तो इसको मैं रेड कम करूँगा कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा ब्लू ग्रीनिश टोन थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर दूंगा थोड़ा ही जस्ट। और उसके बाद दोस्तों, येलो थोड़ा सा यहाँ पर मैं इंक्रीज करूँगा थोड़ा ही येलो। उसके बाद ओके करूँगा और दोस्तों कंट्रोल एल करते हुए इसको थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करूँगा थोड़ा सा जैसे इस तरीके से यहाँ पर मैं वाइट जैसा लुक निकालूंगा। इसको थोड़ा सा हाईलाइट यहाँ से इंक्रीज करूँगा और दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा डार्क करूँगा। ओके करूँगा, कंट्रोल एम से दोस्तों फिर से थोड़ा सा इसको यहाँ पर इंक्रीज करूँगा, थोड़ा सा लाइट दूंगा। लाइट देने के बाद दोस्तों देख सकते हैं इमेज कितना प्यारा क्वालिटी के अंदर आ चुका है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, फिल्टर के ऊपर में क्लिक करते हुए इमेज नोमिक फिल्टर के ऊपर में जाकर आपको नॉइज वेव फिल्टर यहाँ से अप्लाई कर देना। जस्ट आपको ओके कर देना। ओके करने के बाद दोस्तों देख सकते हो फिल्टर कितना प्यारा तरीके से लग चुका है। अब आपको इसको एडिट के ऊपर में जाकर फेड के ऊपर में क्लिक करते हुए, आप लोग देख सकते हो फेड के ऊपर में क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको फेड नॉइज वेव के ऊपर में क्लिक करते हुए इसको दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा फेड कम कर देना। मे बी 35 के आसपास आपको यहाँ पर कर देना है। जस्ट ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों फिर से फिल्टर इमेज नोमिक प्रोट्यूजर फिल्टर आपको यहाँ पर यूज़ करना है। उसके बाद दोस्तों इसको भी यहाँ से फेड कम करना है मे बी 20% के आसपास, ताकि दिखने में एक प्यारा सा और अच्छा सा रिजल्ट आपको
देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों अब आपको इसको मैजिक वन टूल से इस तरीके से सेलेक्ट करते हुए आप लोग देख सकते हैं, इसको राइट क्लिक करते हुए थोड़ा सा फेदर आपको देना है, मे बी 1.5 के आसपास देना है, ओके करना है और उसके बाद कंट्रोल डिलीट करते हैं, इसको डिलीट कर देना है। बैकग्राउंड आपको देख सकते हैं डिलीट हो चुका है, या फिर आप चाहे तो इसको यहाँ से शिफ्ट कंट्रोल आई करते हुए यहाँ से दोस्तों आपको डायरेक्टली इसको डबल क्लिक करते हुए अनलॉक करते हुए यहाँ से दोस्तों आपको मास्क के ऊपर में क्लिक करते हुए यहाँ से दोस्तों आपको जो कलर पसंद है, जैसे कि यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए ये वाला ब्लू कलर अप्लाई करूँगा, इसको दोस्तों बैकग्राउंड इस तरीके से रख दूँगा। रखने के बाद आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से यहाँ पर अब ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर में फोटो आ चुका है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको जो भी ड्रेस चेंज करना है उसका ड्रेस यहाँ पर अप्लाई करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर दिख रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास ड्रेस है, तो यहाँ से मैं दोस्तों एक ड्रेस यूज करूँगा हाफ सूट, जैसे यहाँ से इस तरीके से ड्रैगन ड्रॉप करते हुए यहाँ पर मैं इस टाइम ये वाला ब्लैक वाला ड्रेस यहाँ पर यूज़ करना चाहूँगा। जस्ट इसको मैं यहाँ से ब्लैक यूज़ करते हुए ओपन करूँगा, जस्ट इसको ऊपर करूँगा लेयर को और कंट्रोल टी करते हुए दोस्तों ये वाला ड्रेस को थोड़ा सा साइज़ यहाँ से कम करूँगा। कम करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ से इस तरीके से मैं इसको प्लेसमेंट कराऊँ ड्रेस के, आप लोग देख सकते हो ड्रेस भी एग्जैक्टली फिट हो चुका है। अगर आपको फिट नहीं जैसा लग रहा है तो आपको थोड़ा सा इसको इधर उधर करते हुए एडिट वगैरह इस तरीके से करते हुए यहाँ पर इसको मैनेज वगैरह इस तरीके से आप इजीली कर सकते हो। करने के बाद दोस्तों इस सभी लेयर को कंट्रोल ई करते हुए मर्ज करना है और उसके बाद दोस्तों कंट्रोल ए कंट्रोल सी, आप लोग देख सकते हो ध्यान रखिए कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल एन और दोस्तों न्यू पेज लेना है, फोटोज के ऊपर में जाकर 4x6 का पेज देना है दोस्तों आपको प्रोटेक्टिक साइज का, जस्ट इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पर कंट्रोल वी करते हुए पेस्ट करना है। अब आपको दोस्तों मैंने यहाँ पर एक शॉर्टकट बनाया है दोस्तों, मैं सिंपली इसको F2 प्रेस करते हुए ऑटोमेटिकली यहाँ पर मैं पासपोर्ट साइज फोटो इस तरीके से बनकर तैयार होकर आ चुका है दोस्तों, देख सकते हो मैंने यहाँ पर F2 प्रेस करने के बाद इसी तरीके से इजीली पासपोर्ट साइज फोटो 12 पासपोर्ट साइज फोटो बनकर तैयार हो चुका है। इसको आपको बनाने के लिए जस्ट क्या करना है, मैं आपको एक बार फिर से ये ऑटोमेटिक नहीं करते हुए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जस्ट इसको मैं यहाँ पर रखते हुए दोस्तों देख सकते हो फोटो यहाँ पर आ चुका है, जस्ट इसको डिलीट करूँगा कंट्रोल वी करते हुए यहाँ पर ये फोटो लेकर आऊँगा। और दोस्तों आपको यहाँ पर एक्शन आपको दिख रहा होगा, अगर आपको एक्शन यहाँ पर नहीं दिखा है तो आपको जाना है दोस्तों विंडोज़ के ऊपर में एक्शन के ऊपर में जाना है। एक्शन के ऊपर में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पासपोर्ट साइज बोलकर F2 प्रेस करने से यहाँ पर एक्शन बना चुका हूँ, जस्ट मैं यहाँ पर एक और न्यू एक्शन क्रिएट करना चाहूँगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्रिएट न्यू एक्शन, जस्ट आपको यहाँ पर एक्शन का नाम देना है, आप PP साइज फोटो दे रहा हूँ दोस्तों मैं एक बार आपको दिखाने के लिए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो सेट आपको डिफिकल्टी रखना है, फंक्शन की आपको कौन सा की से आपको चलाना है, मे बी मैं यहाँ पर F3 से यहाँ पर मैं फंक्शन की बनाना चाहूँगा, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं F3 चूज कर रहा हूँ। कलर वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, आप चाहे तो कंट्रोल से F3 प्रेस वगैरह करना चाहते हो तो यहाँ से आपको कंट्रोल और शिफ्ट आपको बना सकते हो, जस्ट आपको रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करने से आप लोग देख सकते हो यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुका है, जस्ट इसको मैं एडिट के ऊपर में क्लिक करते हुए स्ट्रोक लगाना चाहूँगा, सबसे पहले 2 का स्ट्रोक दूंगा और दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से ड्रैग करते हुए ऑल्ट होल्ड करते हुए यहाँ पर इस तरीके से कॉपी कर रहा हूँ दोस्तों, ऑल्ट होल्ड करते हुए इस तरीके से आपको कॉपी करना है, इस तीनों लेयर को सेलेक्ट करते हुए इस तरीके से आपको यहाँ पर ड्रैग करना है, कंट्रोल ई करना है मर्ज करना है, उसके बाद दोस्तों ऑल्ट और शिफ्ट होल्ड करते इस तरीके से ड्रैग करना है, ऑल्ट और शिफ्ट होल्ड करते इस तरीके से ड्रैग करते हुए 12 पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है, जस्ट आपको इसको कंट्रोल ई करते हैं मर्ज कर देना है। उसके बाद दोस्तों इसको एक्शन बटन को यहाँ से स्टॉप कर देना है, आप लोग देख सकते हैं स्टॉप हो चुका है, स्टॉप होने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर 2 एक्शन है, एक यहाँ पर F2 पासपोर्ट साइज फोटो, एक यहाँ पर PP साइज फोटो F3, तो मैंने यहाँ पर इसको डिलीट करते हुए यहाँ पर मैं अब आपको क्या करना है, जो भी आपको ऑटोमेटिकली पासपोर्ट साइज फोटो बनाना है, जस्ट मैं इसको भी क्लोज करके आपको दिखा देता हूँ, जस्ट इसको भी मैंने यहाँ पर क्लोज किया है, इसको भी मैं यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ और एक बार फिर से करके दिखाता हूँ दोस्तों, इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी कंट्रोल एन न्यू पेज, आपको जाना है फोटोज के ऊपर में, यहाँ पर आपको प्रोटेक्टिक साइज का 4x6 का पेज देना है, जस्ट आपको इसको ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इसको कंट्रोल वी करना है, कंट्रोल वी करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर एक्शन बटन यूज करना है, यानी कि मैंने अभी मैंने बनाया था ये F3 प्रेस करते हुए, जस्ट इसको मैं यहाँ पर F3 प्रेस करूंगा तो दोस्तों देख सकते हो ऑटोमेटिकली 12 पासपोर्ट साइज फोटो बनकर तैयार हो चुका है, जस्ट इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है, एडजस्ट करने के बाद दोस्तों देख सकते हो कंप्लीटली 12 पासपोर्ट साइज फोटो बनकर तैयार हो चुका है, जस्ट आपको फाइल के रूप में जाकर
प्रिंट के ऊपर में क्लिक करते हो आपको जो भी प्रिंटर वगैरह है वो प्रिंटर वगैरह यूज करते हैं, आप इजीली इसको प्रिंट वगैरह कर सकते हो। जो भी प्रिंटर का नाम है यहाँ से चूज करते हो, पीस का साइज चूज करते हो, 4R का पीस का साइज चूज करते हो, सिंपली आप इसको प्रिंट कर सकते हो। जस्ट इसको मैं कैंसिल करूंगा। तो दोस्तों देख सकते हो इस तरीके से आप अपने फोटोज को किसी भी ड्रेस चेंज करते हो ऑटोमेटिकली 12 पासपोर्ट साइज फोटो इजीली बना सकते हो फोटोशॉप के अंदर। तो दोस्तों आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल वाली हो रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के ऊपर में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।